नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अब हल्द्वानी से अमृतसर जाने वाले लोगों का सफर काफी आसान होगा। जानकारी के मुताबिक कुमाऊं मंडल से अमृतसर को जोड़ने वाली ट्रेन का संचालन इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है, जिसके संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुमाऊं मंडल के सिख समाज के लोगों की काफी समय से अमृतसर ट्रेन चलाने की मांग चल रही थी। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी, उत्तराखंड, कॉल 9012266789। जिसको देखते हुए उन्होंने इस मामले को सदन से लेकर रेल मंत्री से तक मुलाकात की थी, जिसके बाद लालकुआ से अमृतसर के लिए ट्रेन की स्वीकृति मिल चुकी है और इसी सप्ताह से ट्रेन संचालित होने जा रही है। जिसके बाद अजय भट्ट ने कहा कि ट्रेन का संचालन अभी लालकुआ से अमृतसर के लिए किया जाएगा, लेकिन हल्द्वानी स्टेशन के विस्तारीकरण के बाद इसका संचालन हल्द्वानी से भी किया जाएगा। तो वही लालकुआ से अमृतसर को चलने वाली ट्रेन कोच बरेली में आ गई है, जिसके संबंध में रेल मंत्री ने उद्घाटन तिथि के लिए बातचीत चल रही है और संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन सप्ताह में कितने दिन और टाइम टेबल क्या होगा, इसको लेकर रेलवे के अधिकारी काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।